हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। आज हमारे स्कूली शिक्षा विभाग में सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कक्षा 10 की परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल लेता है, उसके कई पेपर हो चुके थे। जो शेष बचे पेपर है, जो शेष बचे विषय हैं, उनकी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है, उन्हीं विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी, और जो विषय बचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा। 12वीं की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल देता है, बोर्ड की परीक्षा, वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस परीक्षा के परिणाम बच्चों के भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो परीक्षा पूरी ली जाए। उसलिए 12वीं की परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र शेष रह गए थे, अब उनकी परीक्षा दिनांक 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। CBSE के परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। हमारे 12वीं के बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए हमने ये परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, दिनांक 19 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण